हेलो टू यू ऑल, होप यू आर लडिंग वेल एंड वेलकम टू माई चैनल सोनिकल। होप आप लोग सभी अच्छे हो। और मेरा लास्ट वीडियो जो था वुमेंस डे इवेंट का, वो देखा होगा। उसमें मैंने बोला था, मैंने बिरयानी बनाई थी, तो मैंने बोला था कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बिरयानी की रेसिपी ब्लॉग है, और इससे पहले भी शायद मैंने शेयर की हुई है, मुझे याद नहीं। अगर की होगी तो आप जाके देख लेना, और ये दोबारा देख लेना उसमें क्या है। अभी ये सभी सामान मैंने कलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। मसाले, घी, बिरयानी मसाला और खड़े मसाले, सूखे मसाले, सभी मैंने कलेक्ट कर लिए एक जगह, ताकि मुझे भागना ना पड़े। प्याज, टमाटर और धनिया और पुदीना और चावल मैंने बॉईल कर लिया, और बॉईल करके पानी मैंने अलग कढ़ाई में रखा है। और ये जो है ना, वो ऑनियन फ्राई हो रहा है साथ में। और मैंने चिकन को रात में ही मैरिनेट कर लिया था दही और मसाले और नमक डाल के, रात भर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैं ये ऑनियन फ्राई करके निकाल लेती हूँ, बिरयानी कुकर में बनाती हूँ। बट दिस टाइम मैं स्टील वाले टोप में ट्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, एक ऑनियन कितना मस्त फ्राई हुआ है। ये जितना अच्छा डीप फ्राई होगा ना, उतना अच्छा बिरयानी का टेस्ट होता है। तो ये फ्राई करके मैं इसको किचन टाल पर रख रही हूँ। ये ऑयल सोक कर ले सारा, और तब तक मैंने टोप में तेल गरम करके उसमें जो खड़े मसाले थे वो मैंने डाल दिए। ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाले हैं, बिकॉज़ मैंने जब चावल बॉईल कर रही थी तो भी मैंने उसमें खड़े मसाले डाले थे, जावित्री, दालचीनी और तेज़पत्ता वगैरह, इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ। इसमें मैंने एक एक सिर्फ डाला, थोड़ा जीरा और एक प्याज डाला है बस। अब इसको हल्का स्लो आँच पर ही फ्राई करूँगी मैं इसको, बिल्कुल भी फास्ट फ्लेम नहीं करना है। तक सिर्फ ऑयल का थोड़ा सा जो ऑनियन है ना, वाइटी रहे बट थोड़ा कैरेमलाइज हो जाए वो, तो इतना ही फ्राई करेंगे। उसके बाद टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें नमक और जितने भी मसाले हमारे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाले, जो भी मसाले आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करो ग्रेवी के लिए। एंड साथ में हरी मिर्च एक ही दो डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है इसको। अभी सारे मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे, ताकि ये टमाटर जो है ना वो अच्छे से मेल्ट डाउन हो जाए और मसाले उसमें फ्राई हो जाए। और अभी मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते डाले थे खुशबू के लिए। और इसके बाद, वैसे तो मैं बिरयानी का मसाला भी घर में पीस कर रखती हूँ, बट अभी ख़त्म है वो, तो इसीलिए मैं मार्केट वाला पैकेट यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं इसमें मैरिनेटेड जो चिकन था वो मैंने डाल दिया है। और हाँ, मैंने थोड़ा कसूरी मेथी भी डाला था, जो मैं बोलना भूल गई आपको। धनिया और पुदीना के साथ मैंने कसूरी मेथी भी डाला था। और अभी मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन जब भी डालूँगी तो फ्लेम फास्ट रखना है, क्योंकि चिकन जो है मैरिनेट किया हुआ है दही से। दही जब भी किसी चीज़ में, तो आपको फास्ट फ्लेम पर उसको पकाना है, नहीं तो यहाँ हमारा बरिस्ता ऑलरेडी तैयार हो गया है। ये मैंने 5-6 ऑनियन कट करके डाले थे, उससे मतलब 6 ऑनियन तो होगा ही होगा। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसको जब मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो आवाज़ आ रही, तो थोड़ा बिरिस्ता ऐड कर देंगे हम जब ये चिकन कुक करते हैं तो। क्योंकि ऑनियन मैंने, आपने नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में मैंने एक ही ऑनियन डाला है, थोड़ा बिरिस्ता ऐड करेंगे तो थोड़ा ग्रेवी अच्छा और स्वाद अच्छा आएगा उसमें। और ये मेरा हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। मैंने ना बिल्कुल भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, और क्योंकि खुद को खाना है, कोई नहीं है जो इतना शो ऑफ करना है। जो हेल्दी है वही खाओ। और ये चावल भी नॉर्मल वाला जो चावल हम लोग खाते हैं वही यूज़ किया है मैंने। अभी मैंने इसमें घी ऐड किया है, थोड़े पुदीना और धनिया पाउडर ऐड किए हैं, बिरिस्ता ऐड किया है। देन अभी मैं इसमें थोड़े नींबू, हाफ नींबू का रस मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। तो फ्रेगनेंस के लिए कुछ चीज़ें लोग ऐड करते हैं, बट वो भी मैं स्किप कर रही हूँ। अब ये जो मैंने पानी रखा था ना चावल का, बिहार में इसको मार कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, तो ये पानी भी मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि नीचे से जो ग्रेवी है उसको इनफ वाटर मिले, और नीचे से वो जो ग्रेवी हमने तैयार की है वो जल ना जाए। इसलिए थोड़ा जो चावल बना के जो पानी निकाला था स्ट्रेन करके, वो भी डाला है मैंने। और अभी नींबू डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा बिरयानी पाउडर डाल रही हूँ। बिरयानी मसाला पाउडर कम डाला है, क्योंकि मैंने चिकन मैरिनेट करते वक्त ऑलरेडी डाल दिया था उसमें एक पैकेट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ही डाल रही हूँ। अंदर इसको कवर करके ओनली 5 मिनट्स छोड़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों चीज़ें कुक है, अगर ज़्यादा देर होगी तो जल जाएगा,
और ये देखिए मेरा बिरयानी तैयार हो चुका है ऑलरेडी। अभी मैंने इसको दूसरे बर्तन पे निकाल वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ हो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।